प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर भाजपा द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के जरिए मोदी सरकार 9 साल के कार्यों और योजनाओं को लेकर लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इनमें से एक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, जिसे लेकर लोगों में सकारात्मक सोच विकसित हो गई है। इसके लागू होने से सभी को अब व्यापार और व्यवसाय में आसानी होने लगी है, जिसका विभिन्न वर्ग के लोगों ने सराहना भी की है। भिलाई ब्रांच ऑफ ICAI के चेयरमैन प्रदीप पाल का कहना है कि कर सेवा प्रणाली में GST आजाद भारत के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिससे कंपनियों को टैक्स से संबंधित होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिला है। वो पूरे इंडिया में रजिस्ट्रेशन एक भिलाई में बैठे 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंतराल में एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अगर ज़रूरत पड़ती है उनके बिजनेस को देखते हुए तो वो ले सकते हैं। ना किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत है, ना किसी अधिकारी से बात करने की ज़रूरत है। जो पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, आपको अप्लाई करने के बाद इंतज़ार करना पड़ता था, फिर जब रजिस्ट्रेशन नहीं आता था तो आपको अधिकारियों के पास, सरकारी उनके पास जाना पड़ता था, मिलना पड़ता था, समझाना पड़ता था उनके कई क्वेरीज। अभी वो व्यवस्था ख़त्म हो गई है, तो आज आप अप्लाई करिए, रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, आप अपने अगले दिन से अपना बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। वहीं व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों ने भी GST का स्वागत करते हुए अपने कारोबार के लिए इसे लाभदायक बताया है। GST आने के बाद हमसे तो बहुत आसान होगी हर चीज़ें। पहले से हमारे पास में टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट जो टैक्स देते थे सेल्स के अगेंस्ट में, उसमें एक्साइज भी देनी पड़ती थी, फिर एक्साइज में सर्विस टैक्स भी लगता था, फिर उसमें जैसे वैट वगैरह, वैट था, ऑक्ट्रॉय था, एंट्री टैक्स था, इस तरह बहुत सी चीज़ें होती थी, तो हमको हर चीज़ को करना पड़ता था। सी फॉर्म, CST वगैरह बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी जिसको हम करना, हमारे लिए पूरा एक टीम रखनी पड़ती थी जो उसके पूरे हम चीज़ों को कंप्लायंस करने में। अभी GST आने से हमें बहुत सुविधा हो गई है और GST का हमें बेनिफिट भी आराम से मिल रहा है, और ये हम कहेंगे हमारे लिए इंडस्ट्रीज लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है, और हम इसको बहुत अच्छे से हम लोग इसको कर पा रहे हैं, और टैक्स भी गवर्नमेंट को इस हिसाब से ज़्यादा मिल रहा है। शासन को पूरा का पूरा टैक्स पहुँचता है, अभी उसमें और भी सुधार की ज़रूरत है, अलग ट्रेडों में जो भी है कि पूरा GST शासन को जाए। जब शासन को पूरा पैसा मिलेगा, आम व्यापारी के माध्यम से, छोटे व्यापारी से भी मिलेगा, हर तरफ के व्यापारी से मिलेगा, इंडस्ट्री वालों से मिलेगा, तो वो शासन जो केंद्र सरकार है उस पैसे को आम जनता के विकास के लिए अच्छे से उपयोग कर पाएगी। हमारी सेना उससे और मजबूत होगी, हमारा गरीब जो अंतिम पंक्ति में, उसके लिए सड़क, रोड, नाली और हेल्थ की सुविधाएँ, अदर सुविधाएँ, लिखाई पढ़ाई के बारे में बहुत सारा शासन अच्छे से खर्च कर सकता है। छोटे कारोबारियों का कहना है कि GST के आने से खरीदने और बेचने वाले सभी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। उनका कहना है कि पहले वैट के नाम पर 3 जगह टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब एक ही जगह GST के रूप में टैक्स देना होता है, जो बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है।